हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम करेंगे डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट, दिनांक है 18/9/2021, क्रमांक संख्या है 73। आज की वर्कशीट है हमारी इंग्लिश वर्कशीट जो क्लास 5 के लिए है। यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी, जो भी आपका सेक्शन हो लिख लीजिए। ये वर्कशीट आपकी टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड से ली गई है, यूनिट 3 माई शेडो, पेज नंबर 42 और 43 है। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई एम श्योर यू मस्ट हैव इंजॉय रीडिंग द पोएम माय शैडो फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड। मैं आशा करती हूँ कि आपने मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक में से माय शैडो पोएम पढ़ी होगी और इंजॉय किया होगा। Let's read the following extract from the poem once again. चलिए हम इसमें वह अपनी इस पोएम की कुछ पंक्तियां पढ़ लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। My shadow, the funniest thing about him is the ways he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow, for he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that they none of him at all. देखिए बच्चों, यहाँ पर शैडो के बारे में दी गई कि शैडो सबसे फनीस्ट थिंग क्या है कि वो बहुत जल्दी ग्रो करती है, लाइक ग्रो बड़ी हो जाती है, और ना ही वो छोटे बच्चे की, कभी कभी वो छोटे बच्चों की तरह वेरी स्लो हो जाती है, प्रॉपर नॉट अ चिल्ड्रन, और कभी कभी ऐसे शूट हो जाती है कि वो बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे कि इंडियन रबड़ बॉल। जैसे रबड़ बॉल को हम हल्का सा जमीन में फेंकते हैं तो बहुत ऊंचाई तक जाता है, और कभी कभी वो लिटिल हो जाती है कि वो इतनी छोटी हो जाती है। तो ये सब कहा गया है इस पंक्तियों में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पार्ट ए, नाउ लेट्स अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टैंजा गिवन अबव फ्रॉम द पोयम माय शैडो। चलिए बच्चों, ये स्टैंजा दी गई है, हु इज ही इन दिस अबव लाइन। इस स्टैंजा में किसके बारे में कहा गया है, ही इज शैडो। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस स्टैंजा में किसके बारे में कहा गया है, शैडो। शैडो के बारे में कहा गया, तो लिख देते हैं हम शैडो, ए डी ओ डब्ल्यू शैडो। और चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द फनीएस्ट थिंग्स अबाउट हिम इज द वे, फनीएस्ट थिंग्स अबाउट, देखिए यहाँ पर दिया गया बच्चों, द फनीएस्ट थिंग्स अबाउट हिज वे ही, उसके बाद क्या लिखना है स्टैंजा में, ही लाइक्स, रुकिए बच्चों थोड़ा गलत हो गया, He likes to grow, ग्रो, ठीक। चलिए बच्चों सी पार्ट देख लेते हैं, सी पार्ट में क्या दिया गया है। सी में दिया हुआ है, व्हाट डज यू मीन्स बाय इंडियन रबर बॉल, टिक द करेक्ट
ऑप्शन। ठीक बच्चों, हमें बताना है कि इंडियन रबर बॉल क्या है। अ बॉल दैट बाउंस वेरी हाई, अ बॉल दैट डज नॉट बाउंस। क्या बॉल बाउंस होकर ज्यादा ऊपर जाती है, क्या बाउंस बाउंस बॉल बाउंस ही नहीं होती है? तो इसमें आप क्या लिखेंगे, द इंडियन रबर बॉल अ बॉल दैट बाउंस वेरी हाई। तो यहाँ पर हम टिक लगा देंगे कि इंडियन रबर बॉल वेरी हाई बाउंस होती है। चलिए पार्ट बी देख लेते हैं बच्चों। इसमें पार्ट बी, नाउ लेट्स प्ले द मैचिंग गेम, मैच द ऑब्जेक्ट विथ हिज शैडो, वन हैज बीन डन फॉर यू। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर एक गेम दिया हुआ है मैचिंग वाला, जिसमें शैडो दी गई है, हमें उसको मैच कराना है। तो चलिए, जैसे एक हमें मैच करके दिया गया, ये बटरफ्लाई बटरफ्लाई से मिला दी गई है, और ये पेयर को पेयर से मिला देंगे हम, और ये मंकी को मंकी से मिला देंगे हम, और ये बेल को बेल से मिला देंगे हम, और ये डक टॉयज को डक टॉयज से मिला देंगे। ये बच्चों का डक टॉयज है। तो देखिए मैच हो गया, बर्ड्स को बटरफ्लाई को बटरफ्लाई से मिला दिया गया है, पेयर को पेयर से मिला दिया गया है, मंकी को मंकी से मिला दिया गया है, और बेल को बेल से मिला दिया गया, बेल की शैडो से मिला दिया गया है, और डक टॉयज के शैडो को डक टॉयज के शैडो से मिला दिया गया है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपने हाथ के पीछे टॉर्च चमकाने और दीवार पर छाया देखने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें टॉर्च हिलाने पर छाया में होने वाले परिवर्तनों को नोट करने के लिए प्रेरित करिए। बच्चों को बताएं कि टॉर्च लेके जरा पीछे से अपने शैडो को अपने शरीर पर डालेंगे तो उनकी परछाई दीवार पर आएगी, और देखिए परछाई बड़ी होती है कि छोटी, किस तरह से करती है वो उन्हें एक नोट लिखने के लिए प्रेरित करें, जिससे बच्चों को परछाई के बारे में पता चले। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी आप बाहर निकले 2 गज की दूरी बना के चले, 2 गज की दूरी, कोरोना को हराना है तो 2 गज की दूरी बनाना है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी अगली वीडियो की। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें बच्चों। बाय बाय।